नमस्कार मित्रों, आज के हमारे इस YouTube वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये शिवदासपुर मंडुआडी का इलाका है। और ये जो सामने रास्ता जाता है, ये लहरतारा के लिए है। लहरतारा और वाराणसी स्टेशन दोनों के लिए जाता है। अभी हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं और देखिए अभी हम जिधर जा रहे हैं, ये बनारस रेलवे स्टेशन के लिए जाएगा, जिसका नाम पहले मंडुआडी था। वाराणसी में एक क्षेत्र है जिसका नाम अभी हमने बताया आप सभी को, शिवदासपुर। शिवदासपुर यह अपने आप में बहुत ही एक चर्चित क्षेत्र है। यह क्षेत्र देखिए हमारे बाएं साइड में डिवाइन सैनिक स्कूल है और दाहिने साइड में आप देख सकते हैं विशाल मेगा मार्ट है। यह क्षेत्र आज से 15-20 साल पहले अपने काम से बदनाम था। खैर, अब वह काम तो यहाँ पर रह नहीं गया है। 100% में लगभग 10% ही अब रह चुका है, लेकिन उस काम की वजह से आज यह अपने नाम से भी बदनाम यह क्षेत्र है। देखिए रॉयल एनफील्ड का बगा हमारे दाहिने साइड में शोरूम है और देख सकते हैं हमारे दाहिने साइड में ये नया HP का पेट्रोल पंप खुला है। आज का यह जो हमारा वीडियो है, हम आपको एक सरल भाषा में बता दें कि शिवदासपुर रेड लाइट एरिया का वीडियो है। काफ़ी कुछ लोगों का डिमांड आया था कि आप हमें उस जगह को दिखाइए, क्या अभी भी वह चलता है। तो कुछ लोगों के डिमांड पे हम यह वीडियो बना रहे हैं। खैर, हम इस जगह का वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन पूरे वाराणसी को हम दिखाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, तो सोचें क्यों ना इस जगह को भी दिखाया जाए। देखिए यह रेड लाइट क्षेत्र होने के कारण, खैर अब यहाँ पर रेड लाइट क्षेत्र रह नहीं गया है, लेकिन वह चीज़ होने के कारण यहाँ का देखिए अभी इस क्षेत्र का विकास कितना रुक चुका है। ये देखिए जो गली है, हम उसी गली में चल रहे हैं। बहुत ही टूटी फूटी सड़कें यहाँ पे हैं और टूटे फूटे मकान हैं। देखिए दाहिने साइड में कितना टूटा हुआ मकान पड़ा हुआ है और पूरी तरह से रास्ता यहाँ का ख़राब हो चुका है। पुराने मकान, जर्जर मकान यहाँ पे पड़े हुए हैं। यह जो क्षेत्र है काफ़ी चर्चे में रहने वाला क्षेत्र है। आप इस क्षेत्र को बहुत बार TV सीरियल में और कुछ मूवी में भी इस क्षेत्र को आप देखे होंगे। यह क्षेत्र बनारस से लेके मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, हर जगह यह फेमस है। यह क्षेत्र मंडुआडी शिवदासपुर, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी शोरूम खुली हुई है मार्बल की, जिसका नाम है RK मार्बल। और यह क्षेत्र अभी यहाँ से ख़त्म हो जाता है, जो रेड लाइट जोन का क्षेत्र है वो यहीं से ख़त्म हो जाता है। हम थोड़ी आगे चलते हैं, गाड़ी को अपने मुड़ाते हैं, फिर वापस हम आप सभी को फिर दिखाते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही था कि लोग इस जगह को समझें और जो यह क्षेत्र अपने नाम से बदनाम है, उस चीज़ को लोग अपने दिमाग से हटाएं। और आप देख सकते हैं कि इस एरिया से बाहर निकलते ही बहुत ही अच्छे अच्छे मकान यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे घर भी हैं, लेकिन वो लोग इस बदनाम क्षेत्र के वजह से परेशान रहते हैं। और यह एक ऐसा रास्ता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है और बहुत ही
मुश्किल से लोग इधर आना चाहते हैं। बहुत ही जैसे ज़्यादा परेशानी किसी को हो तभी लोग इधर से आना जाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पे बहुत ही लोगों की चलने वाली संख्या बहुत कम है। देख सकते हैं कि पूरा रास्ता खाली है। ये अभी जिधर से हम वापस आ रहे हैं ये रास्ता अभी निकल जाएगा मंडुआ डी बनारस रेलवे स्टेशन, और जब हम इधर से जा रहे थे तो ये चांदपुर जीटी रोड के लिए रास्ता निकल जाता है। देखिए अभी हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और जिधर हम अभी जा रहे हैं ये बनारस रेलवे स्टेशन के लिए जाएगा, और हमारे जो अपोजिट साइड में रास्ता है वो जाएगा वाराणसी रेलवे स्टेशन और लहरतारा चौराहा कबीर मठ के लिए। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा यह एरिया बन चुका है। देखिए हमारे दाहिने साइड में काजरिया मार्बल वाले थे और एक बगल में हमारी छोटी सी मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, ताड़केश्वर महादेव की मंदिर है। और अभी फ़िलहाल हम मंडुआडी चौराहे पर पहुंच चुके हैं। देखिए ये जो चौराहा है ये चारों साइड जाता है, कहाँ कहाँ जाता है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। अभी रेड लाइट है, अभी ग्रीन सिग्नल होगा तब हम लोग यहाँ से चलेंगे। देखिए जो हमारे बाएं साइड से जो रास्ता जा रहा है वो था महमूरगंज के लिए और बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाता है, और जो हमारे दाहिने साइड से भी जा रहा है वो इलाहाबाद हाईवे के लिए भी निकल जाता है, और जो सामने भी रास्ता जा रहा है वो बनारस रेलवे स्टेशन के लिए फ़िलहाल जाएगा। और यहीं से आपको अगर बीएचयू जाना है तो बीएचयू भी जा सकते हैं। यहीं से लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर एक ओवर ब्रिज है। अभी फ़िलहाल हाल ही में बहुत ही ज़्यादा रेलवे क्रॉसिंग के पास जाम लगने की वजह से ओवर ब्रिज बना दिया गया है ताकि अब वहां पे जाम न लग सके। धूप बहुत तेज़ है, आप देख सकते हैं कि इस रोड पे बहुत ही आने जाने वाले लोगों की संख्या भी कम है। और यह जो वाराणसी शहर है यह वाराणसी शहर का बहुत ही एक महत्वपूर्ण शहर चौराहा है, जहाँ पे इस चौराहे पे लोकल जितने भी लोग होते हैं यहीं से शहर के अंदर आते हैं। जो शहर से बाहर के लोग हैं इसी चौराहे से होकर शहर के अंदर जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो चुका है, अब हम ही लोग यहाँ से चलते हैं, आपको दिखाते हैं बनारस रेलवे स्टेशन। देखिए हमारे एक दाहिने साइड में बहुत ही फेमस मजार है, ये आप मजार का गेट देख सकते हैं, इनका नाम है समोसा बाबा, ये समोसा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहीं से मात्र 200 मीटर बनारस रेलवे स्टेशन है। हम आप सभी को बनारस रेलवे स्टेशन दिखाते हैं, और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे BLW जहाँ पे रेलवे का इंजन बनाया जाता है, पहले इसका नाम था DLW डीजल रेल इंजन कारखाना, अब इसका नाम बदल के BLW कर दिया गया है। देखिए ये जो रास्ता जा रहा है यही है BLW जाने के लिए, और आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे बनारस रेलवे स्टेशन है,
इसका नाम पहले मंडुआडी था, अब इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और जो ये एक रास्ता देख रहे हैं आप, ये BHU के लिए जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। और आप देख सकते हैं कि सामने मंडुआडी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब है बनारस रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।